हेलो हाय दोस्तों, जबकि ये देख पा रहे हो आप इंडिया का टोटल वो आईसीसी वर्ल्ड कप का टाइम जो ये पॉइंट टेबल आप देख रहे हो, ये है मतलब इंडिया तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में एंटर कर चुका है 16 पॉइंट हासिल करके। तो साउथ अफ्रीका का मैच है, देखते हैं। साउथ अफ्रीका का मैच है अभी, साउथ अफ्रीका का मैच यहाँ पे है, अफगानिस्तान के साथ है, और वो कल है साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का बीच में कड़ी टक्कर होगा। तो अगर साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान अच्छी रन रेट से जीता, वो अगर क्रॉस हो गया न्यूजीलैंड का जो रन रेट है उससे क्रॉस हो गया तो अफगानिस्तान पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में, क्योंकि उनका जो रन रेट देख रहे हो वो रन रेट के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा अगर साउथ अफ्रीका को अच्छा रन रेट से हराया। तो अगर साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया तो अफगानिस्तान इससे बाहर हो जाएगा, और पाकिस्तान बचा रहा, पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान अगर कल जो इंग्लैंड के साथ मैच है, आपको दिखाता हूँ, पाकिस्तान और इंग्लैंड सैटरडे 11 नवंबर का जो है, अगर उसको भी अच्छी रन रेट से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराया तो न्यूजीलैंड का रन रेट से ज़्यादा होगा, तो तभी वो सेमीफाइनल में एंटर कर पाएगा, नहीं तो वो भी सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यही अगर पाकिस्तान आउट हो जाए तो यही चारों मतलब ये खेलेंगे, सेमीफाइनल खेलेंगे। और ये सेमीफाइनल का क्या क्या डेट है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और सेमीफाइनल जो है, फास्ट सेमीफाइनल होगा, सारा जो मैच है ख़त्म हो जाएगा 12 नवंबर को, और सेमीफाइनल फास्ट सेमीफाइनल होगा इंडिया। सेमीफाइनल ऑलरेडी तो इंडिया एंटर कर चुका है, 15 तारीख में फास्ट सेमीफाइनल होगा, सेकंड सेमीफाइनल 16 तारीख में होगा, 16 नवंबर को होगा, और जो फाइनल है फाइनल 19 नवंबर संडे को होगा। चलिए, पूरी अपडेट देखने के लिए लाइक को फॉलो करें, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़।